ये जब से जो है भारी बरसात हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में हुए हैं, उससे भारी नुकसान जो है जान माल का हुआ है। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है खुद जो है इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का लीड लिया, और जगह जगह पे जाकर इन्होंने जो है जो उचित कदम उठाने थे उसके लिए जो है निर्देश दिए, और स्वयं भी बहुत सारे जो है फ्लडेड एरियाज़ हैं उनका इन्होंने विज़िट किया। जहाँ तक डिटेल्स की बात है, ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। आज की तारीख में 118 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गुमाई है, इसमें 121 इंजर्ड भी हैं लोग, और जो मकान है पक्के मकान जो है करीब करीब 500 के करीब जो है पक्के मकान लोगों के आशियाना जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। 12 से ज़्यादा लोग जो है इसमें मिसिंग है, और जो हमारे पार्शली डैमेज घर हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब पार्शली में ऐसा है कि इनमें जैसे अभी 3,000 करीब करीब ये 3,800 से ज़्यादा है, तो इनमें ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिनमें अब रहना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मकान जो है फ्लडेड हो गया, अंदर सिल्ट भर गया, और उस सिल्ट के बनने से जो उनके बिलोंगिंग्स थे वो तो बिल्कुल डैमेज हुए हुआ है, बल्कि उसमें मतलब अब रहना भी जो है मुश्किल है, क्योंकि सिल्ट के साथ में बहुत सारे जो है इसमें डेबरीज भी उसमें आ गया है, और जिसको निकालना भी एकदम से संभव नहीं है। साथ में शॉप्स भी इस बार बड़े नुकसान हुआ, 133 के करीब जो दुकानें थी वो भी इसमें जो चला गया है। अभी कॉ शेड्स 1,006 के करीब है, और जो हमारे पशुधन का नुकसान हुआ है उसकी तो अभी काउंटिंग चली रही है, परंतु अभी तक जो हमारे पास सूचना है 1,000 करीब के जो है पशुधन का नुकसान हुआ है। और जो हाई पास्चर्स में है जहाँ बारी बारिश और ये बादल फटने के जो कारण जो डैमेज हुआ है पशुधन का, और साथ में खासकर चंद्रताल के एरिया में जहाँ पर 3-4 हज़ार के करीब जो ये भेड़ बकरियाँ थी, अभी उसमें कितना एग्जैक्ट अभी तक नुकसान हुआ है उसका तो अभी हमारे पास मूल्यांकन किया ही जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि 5,000 करोड़ के आसपास का नुकसान आंका गया है, जो 8,000 से भी ऊपर बढ़ सकता है। तो अभी क्या स्थिति है, कितना एस्टिमेटेड है, और केंद्रीय टीम भी आनी है, वो कब आएगी, किस तरह से इसको एसेस किया जाएगा? जो नुकसान हुआ है वो 4,500 करोड़ से ऊपर का तो अभी तक मूल्यांकन किया गया है, बाकी अभी मूल्यांकन चला हुआ है, खासकर जो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है और जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनका मूल्यांकन हो रहा है। और ये जो 4,500 करोड़ आज की तारीख में अभी जो है बरसात ख़त्म नहीं हुआ, मूल्यांकन ख़त्म नहीं हुआ, ये जो है बढ़ने वाला है। और जो केंद्रीय टीम है ये टीम भी जो है शीघ्र जो है हिमाचल में अब जो है उनका टूर प्रोग्राम बन गया है, और ये कल चंडीगढ़ पहुंचते हैं, तो परसों से इनकी 3 टीमें हैं जो प्रदेश के विभिन्न जो हमारे बाढ़ वाले इलाके हैं उसमें ये जो है अपना दौरा करेंगे। कितना पहुंच सकता है, जो असेसमेंट जैसे आपने कहा अभी जारी जारी है, केंद्रीय टीम भी आएगी, तो ये आंकड़ा आज की तारीख में आप कह रहे हैं 4,500 करोड़ के आसपास है, तो कितना तक बढ़ जाएगा जिसका असेसमेंट करना बाकी है? जिस हिसाब से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो ये आंकड़ा जो है अभी और बढ़ने वाला है। अब एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सड़कों का अपना अलग से वो है, पेयजल योजनाएं हैं, सीवरेज की जो स्कीमें हैं खासकर कुल्लू मनाली मंडी और यहाँ तक कि हमारे छोटे से इलाके जो ट्राइबल एरिया में जहाँ सीवरेज प्लांट्स थे वो सारे तबाह हो गए हैं, तो उसमें तो और उन सबको अगर आप जोड़ेंगे और नेशनल हाईवेज को ले लेंगे, NHAI को ले लेंगे, तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा जाने वाला है।